संपत्तियों पर चला बाबा का बुलडोजर। खनन माफिया हाजी इकबाल का करीबी है सनी नागपाल। सनी नागपाल की दो संपत्तियों को किया गया जमींदोज। उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं पर योगी सरकार का बुलडोजर लगातार कहर बरपा रहा है। इसी कड़ी में सहारनपुर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफिया पूर्व MLC हाजी इकबाल के बाद उनके करीबी सनी नागपाल के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया है। प्रशासन ने सनी नागपाल की दो संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया है। पुलिस के मुताबिक सनी नागपाल और हाजी इकबाल के बीच करोड़ों रुपए का लेन देन मुखौटा कंपनी बनाकर किया गया था, जिसकी जांच लगातार चल रही थी। इसके साथ ही उसके खिलाफ जमीन कब्जाने से लेकर अन्य धाराओं में भी सहारनपुर के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने नागपाल, उसके चचेरे भाई समेत 5 लोगों का गैंग भी पुलिस रिकॉर्ड में रजिस्टर कर लिया है। जिला प्रशासन की टीम SP थाना पुलिस को लेकर जनता रोड स्थित सनी नागपाल की धागा फैक्ट्री पहुँची और बुलडोजर चला दिया। वही उसके एक और प्लॉट पर भी बुलडोजर दौड़ा, जहाँ 8 दुकानों की नींव भर दी गयी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में SDM किंसुक श्रीवास्तव ने क्या कुछ जानकारी साझा की है, आइए आपको सुनाते हैं। ये सहारनपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से आज की कार्यवाही कराई जा रही है। इन संपत्तियों का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था प्राधिकरण से और इनको पर्याप्त अवसर देने के उपरांत आज स्पष्टीकरण की कार्यवाही हो रही है। ऐसी कितनी कॉलोनियां जनता रोड पे जहां पे बुलडोजर चलाया? ऐसी बहुत सी कॉलोनियां हैं और सभी पर ये कार्यवाही या तो की जा चुकी है या प्रचलित है वर्तमान में, और अगर अन्य कोई भी संज्ञान में आती है कि इसका नक्शा स्वीकृत नहीं है तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। खनन माफिया हाजी इकबाल के सहयोगी सनी नागपाल की संपत्तियों पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बीच प्रशासन की ओर से बाबा का बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद दूसरों की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज डेस्क, अमरोहा TV।